जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन मस्त क्लासेस। आप सब देख रहे हैं ऑनलाइन मस्त क्लासेस चैनल। आज के इस वीडियोस में हम आप सबको बताने वाले हैं मिश्र धातु का ट्रिक। आपके पास थोड़ा सा टाइम है तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। अगर आप इस ट्रिक को समझ जाएंगे तो आप बहुत ही आसानी से बता सकते हैं कि कौन सा जो है मिश्र धातु किन किन चीज़ों से मिलकर बना है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, तो आइए हम शुरू करते हैं बिना टाइम किए बर्बाद किए हुए कि मिश्र धातु का ट्रिक क्या है। तो देखिए, आपके सामने लिखा है मिश्र धातु का ट्रिक हेडिंग, पिताजी ने कांसा काटी तो जर्मन सिल्वर से निकला काजी। पिताजी ने कांसा काटी तो जर्मन सिल्वर से निकला काजी। इस लाइन को याद करना बहुत आसान है, ये ट्रिक है। देखिए, पिताजी सबको ही बोलता है पिताजी, तो पी से आपका हो गया पीतल, ता से हो गया तांबा और जी से हो गया जिंक। यानी पीतल जो है ना आपका तांबा और जिंक का मिश्रण है। पीतल किसका मिश्र धातु है? तांबा और जिंक। ये है कांसा। कांसा देखिए, का से कॉपर और टी से टीन। कॉपर और टीन का मिश्र धातु है कौन सा? तो कांसा है ना। बहुत अच्छा, आसानी से पी से हो गया पीतल, ता से तांबा और जी से जिंक से। अब ये देखिए, जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर जो है एक मिश्र धातु है, ये निकेल, और का से हो गया कॉपर और जी से हो गया जिंक। ठीक है, तो इस तरह से इस ट्रिक के माध्यम से आपने तीन चीजों को याद रखा, पीतल, तांबा और जिंक का मिश्र धातु है। कांसा जो है जिसको हम ना ब्रॉन्ज भी कहते हैं, ब्रॉन्ज मेडल है ना, ब्रॉन्ज के नाम से भी। कॉपर और टीन का मिश्र धातु है, और जर्मन सिल्वर जो है निकेल और कॉपर और जिंक का मिश्र धातु है। एक बार फिर से सुन लीजिए, इस लाइन को याद करना कोई बड़ी बात नहीं है। आपका लाइन है, पिताजी ने कांसा काटी तो जर्मन सिल्वर से निकला काजी, है ना। ये ट्रिक आपको मिश्र धातु याद करने का ट्रिक कैसा लगा कमेंट सेशन में आप लोग बताएंगे। और मेरे प्यारे फ्रेंड्स, अगर आप नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके बगल का बेल आइकन क्लिक कर ले, और इस वीडियो को अपने दोस्तों और साथियों में शेयर करें, ग्रुप में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलेंगे इसी तरह के शानदार मैं ना बेहतरीन ट्रिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। बेस्ट ऑफ योर लक। जय हिंद।